बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार कोई ना कोई रास्ता निकाल रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के हर फैसले के साथ हमारी पार्टी कोविड की रोकथाम के लिए सरकार के जो भी दिशा निर्देश मिले बिना भेदभाव के उसे पालन करना चाहिए। आइए सुनते हैं बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के जुबानी। देखिए, सरकार कोई न कोई एक रास्ता निकाल रही है कि हम कैसे इसको कंट्रोल करें। तो एक उनका पहला मतलब एक रास्ता उन्होंने निकाला है कि कम से कम अभी नाइट कर्फ्यू लगा दें, रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक उन्होंने संख्या कम कर दिया। लेकिन बात केवल सरकार के निर्णय से ही यह कोरोना कंट्रोल नहीं होगा। जब तक हम सभी लोग अपना अवेयरनेस, हम लोग अभी लोग अपनी स्थिति साफ नहीं करें, हम लोग अपने आप में सुधार नहीं लाएंगे, तो कोई कोरोना से का कंट्रोल नहीं हो सकता है। किसी को केवल सरकार के भरोसे रहे, पुलिस के भरोसे रहे कि पुलिस रोकेगी तब हम मास्क लगाएंगे, पुलिस कहेगी कि तब हम दूरी बना के रखेंगे, तो कैसे होगा। इसमें सबको साथ देना चाहिए, सबको एक साथ रहना चाहिए और साथ रह करके जो भी दिशा निर्देश मिले बिना उस पर कोई भेदभाव किए उसका पालन करना चाहिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति बढ़ती जा रही है, क्या लॉकडाउन लगाना चाहिए? देखिए, अब इस पर तो चूँकि सरकार के साथ सारी विपक्ष पार्टियां, हमारी भी दल के नेता सर्वदलीय बैठक में गए थे और उन्होंने कहा कि भाई कोरोना रोकथाम के लिए जो भी सरकार निर्णय लेगी हम सरकार के साथ हैं। अब सरकार उस चीज़ को भी देख रही है कि हम कैसे, किस स्थिति में कैसे इसको कंट्रोल करें। भाई आप देख ही रहे हैं कि सरकार का प्रतिबंध है कि नहीं आप 50 लोगों से अधिक इकट्ठा न हो, लेकिन कहाँ कोई मान रहा है। ये तो जिस प्रकार से जहाँ चुनावी माहौल है, हजारों लाखों की संख्या रैली हो रही है, इस विषय में क्या कहेंगे? नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। उन इसलिए कि ये कहीं ना कहीं हमें जो भी हमारे मतलब राष्ट्रीय दल के जो नेता हैं और जो लोग इस इलेक्शन कमीशन भी इस पे उसको इलेक्शन कमीशन को भी इस पे मौन नहीं रहना चाहिए। हम अगर जिंदा हैं तभी भी चुनाव होगा। हम चुनाव में हजारों लाखों की रैलियां कर कर के और एक दूसरे को मतलब ये करें तो ये मेरे समझ से उचित नहीं है। जी, अभी उत्तर प्रदेश के योगी जी को कोरोना पॉजिटिव हुआ, अखिलेश जी को भी हुआ, नहीं, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये लोग जल्दी स्वस्थ हो जाएं और कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्य योगीनाथ जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी, अब ये लोग पॉजिटिव हो गए तो कम से कम इनको भी अगर देख करके लोग अगर अपना नहीं संभले कि नहीं, जब ये लोग इतना हिफाजत से रहने वाले लोग जब कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं तो हम तो सर पे सर चढ़ाए, शरीर में शरीर सटाए, दिन भर घूम रहे हैं, इससे भी लोगों को सबक लेना चाहिए।